भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24 प्लस न्यूज के खास विशेष मनमोह शिक्षा देने वाला अच्छा इंसान बनाने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान एक ऐसा कार्यक्रम है जो हमारे जीवन की दिशा को बदलता है, जीवन को अच्छा बनाता है। इसमें प्रतिदिन नए नए विषयों के बारे में वार्ता की जाती है। तो इसी क्रम में आज हम एक नया विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। तो आज का विषय है अध्यात्म और नैतिकता। अध्यात्म और नैतिकता एक सिक्के के दो पहलू हैं। हम एक सिक्के को दोनों तरफ देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि वो सिक्का पूर्ण है। एक सिक्के के कितने टुकड़े करते जाइए, उसके दो फेसेस हमेशा रहेंगे। तो उसी तरह से अध्यात्म और नैतिकता एक ही चीज़ है, एक दूसरे को पूरक है। अगर व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है तो निश्चित रूप से नैतिक होगा, और नैतिक हो जाता है तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक होगा। व्यक्ति आध्यात्मिक है, अनैतिक है, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आम है और वो कड़वा जो है उसका स्वाद होगा नहीं। तो ये एक दूसरे से एक ही चीज़ है। अब हम थोड़ा अध्यात्म और विज्ञान को गहराई से समझेंगे कि अध्यात्म क्या है और उसके साथ में नैतिकता क्या है। हम अध्यात्म की बात करें तो अध्यात्म का अर्थ होता है भीतर की ओर। हमारा जो भीतर का जगत है वो अध्यात्म कहलाता है, और बाहर का जगत होता है वो हमारा लौकिक जगत कहलाता है। लौकिक जगत के अंदर हम भाषा के माध्यम से विचार विनिमय करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं। हमारी इस लौकिक जगत की सारी जितनी शिक्षाएं हैं, सारे जितने विषय हैं, वो हमारे इस विचारों के द्वारा बताए जाते हैं, बुद्धि के द्वारा बताए जाते हैं। हम इस शरीर को देखें तो इसी स्थूल शरीर के अंदर हम चलें तो 5 इंद्रियां हैं, इंद्रियों के बाद में मन है, मन के बाद के अंदर बुद्धि है, बुद्धि तक हमारा लौकिक जगत है। लेकिन जिस हम आज अध्यात्म की बात कर रहे हैं वह इस बुद्धि से परे है। जो बुद्धि से परे जाता है वो आध्यात्मिक होता है। इसलिए धर्म और अध्यात्म भी थोड़ा अंतर है। वैसे तो दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही दिशा में जाने वाले हैं, लेकिन धर्म जो है उसमें क्रियाकांड आ जाते हैं, संप्रदाय आ जाते हैं, लेकिन अध्यात्म में कोई भेद नहीं होता है। अध्यात्म के अंदर शब्द समाप्त हो जाते हैं, वहाँ प्रज्ञा का जगत प्रारंभ होता है, और जो व्यक्ति प्रज्ञा के जगत में चला जाता है वहाँ केवल वाइब्रेशंस दिखाई देती है। और ये हमारा जो भेद कराने वाले होते हैं ये शब्द है। वाइब्रेशन के जगत के अंदर सत्य दिखाई देता है, ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ जो है ये बात कही गई है। वह भीतर के जगत में जाने वाला ही व्यक्ति कह सकता है, अध्यात्म में जाने वाला ही व्यक्ति कह सकता है, प्रज्ञा पुरुष कह सकता है, पंडित व्यक्ति कह सकता है। जो बुद्धि के जगत पर होता है व्यक्ति, प्रकांड पढ़ा लिखा होता है, उसको विद्वान कहा जाता है। लेकिन प्रज्ञा के पुरुष, प्रज्ञा के जगत वाले व्यक्ति को पंडित कहा जाता है, क्योंकि पंडित व्यक्ति कभी अनैतिक हो नहीं सकता। विद्वान व्यक्ति के अंदर क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, राग, द्वेष, घमंड ये आ सकता है, लेकिन प्रज्ञा पुरुष में कभी नहीं आएगा। और अहंकार का नाश होने के बाद ही प्रज्ञा प्रारंभ होती है। प्रज्ञा हमारी आत्मा की रिप्रेजेंटेटिव है, प्रज्ञा हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। बुद्धि किसे कहा जाता है कि जो कि ये अच्छा, ये बुरा, ये भेद, ये भाव, और इस किसी की तू मैं, और किसी भी तरह का जो अलग अलग ओपिनियन देने वाला, जो अभिप्राय देने वाली होती है और भटकाने वाली कुछ शब्दों तक है, वो उसको हम बुद्धि कहा जाता है। ये बुद्धि के दो भाग है, एक सद्बुद्धि और कुबुद्धि। अगर व्यक्ति बुद्धि का सदुपयोग करता है तो वह सद्बुद्धि कहलाती है, और बुद्धि का उपयोग दुरुपयोग कर लेता है वह कुबुद्धि कहलाती है। जैसे भाई और बहन, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूँ। एक चाकू है, उस चाकू के द्वारा हम सब्जी काट सकते हैं, फल काट सकते हैं, तो ये उस चाकू का सदुपयोग हुआ। चाकू का जो उपयोग है वही उपयोग हमने किया। अब अगर उसका हम दुरुपयोग करें तो किसी का मर्डर भी किया जा सकता है, किसी की पीठ में वो छुरे के रूप में भांका जा सकता है, किसी के पेट में भी वो भोंका जा सकता है, ये उसका दुरुपयोग हो गया। तो ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन
प्रज्ञा पुरुष होगा, कभी भी दुरुपयोग नहीं करेगा, हमेशा 100% सदुपयोग करेगा। और जो बुद्धि के जगत में जीने वाला है वह उसका दुरुपयोग कर सकता है। इसीलिए जो अध्यात्म के बाहर की ओर जो लौकिक जगत में जीता है वो हमें आज इतने भेद दिखाई देते हैं कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति क्यों सुसाइड करता है, एक बहुत बड़ा जज जो कि न्याय की कुर्सी पर बैठा है और वो न्याय करता है वह क्यों घूस लेता है, और एक व्यक्ति जो है पढ़ा लिखा व्यक्ति क्यों वह विचार कर रहा है। आज रेप की घटना इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है और हिंसा की घटनाएं क्यों बढ़ रही है, ये सब बुद्धि के स्तर पर हो रहा है, ये सब लौकिक जगत में हो रहा है और सब राग द्वेष के वशीभूत होकर के हो रहा है, ये स्वार्थ के वशीभूत होकर के रहा है। और ये हमारी शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, हमारी लॉन्ग टर्म पालनी अध्यात्म और नैतिक है। इसीलिए सारा अध्यात्म की बात आई, अब हम थोड़ी नैतिकता की बात कहते हैं। तो नैतिकता को मॉरलिटी कहा जाता है, एथिक्स कहा जाता है। हमारा समाज जी व्यक्तियों के समूह को समाज कहा जाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बिना समाज के मनुष्य जी नहीं सकता, अकेला कितने दिन जिएगा। हिमालय के अंदर व्यक्ति रहेगा तो कोई महापुरुष होते हैं जो हिमालय में एकांत में भगवान का स्वरूप होता है वो जाकर रह सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल व्यक्ति होगा उसको जीवन व्यापन करने के लिए समाज में रहना पड़ेगा। वो शादी करेगा, उसके संतान होगी, उसके माता पिता होंगे, उसके रिलेटिव होंगे, और काम करने की अलग अलग विधाएँ होगी, फैक्ट्रियाँ होगी, शॉप्स होंगे, और कई तरह की जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं वो सारी होगी। इसी का नाम समाज है। तो इस समाज को अच्छा रखने के लिए सभी आराम से जिए, एक मापदंड होना चाहिए, एक नियम होना चाहिए, एक कानून कायदा होना चाहिए, वह नैतिकता कहलाती है। नैतिकता का मतलब होता है कि बाहर और भीतर एक जैसा रहना, कथनी करनी में कोई अंतर नहीं आना। अगर आप कहते हो कि फला वस्तु का मूल्य 100 रुपया है तो वो 100 रुपया सबके लिए होना चाहिए, किसी से 110 रुपया ले लिया जाए और किसी से 120 रुपया ले ली जाए, और उसका अपना फिक्स मुनाफा व्यक्ति ने तय कर रखा है कि मुझे 10% 20% 30% कमाना, उस पर जोड़ करके वो करता है तो वो नैतिकता कहलाती है। लेकिन उसको एक रीजनेबल मुनाफा नहीं जोड़ करके डाका डालने की दृष्टि से जो है 50 रुपये की चीज़ के 100 रुपये कर दिए या 10 रुपये की चीज़ के 100 रुपये कर दिए तो ये अनैतिकता है। ऐसा व्यक्ति को समाज अलाउ नहीं करता है। कोई कपड़े का व्यापारी है, थान के ऊपर लिखा गया है 50 मीटर, और जब व्यक्ति घर ले जाकर उसका नाप तोल करे तो 48 मीटर लिखे, उसका जो अर्ज होता है वो 90 सेंटीमीटर ऊपर लिखा हुआ है, जब नापा जाए तो 85 होता है, 88 होता है, ये सारी अनैतिकता है। प्रश्न ये है कि हम अनैतिकता क्यों करते हैं। अनैतिकता करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमने अपनी लालसाओं को, अपनी तृष्णाओं को और अपनी आवश्यकताओं को इतना बढ़ा दिया जाए कि नॉर्मल रूप से वो आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है, तब व्यक्ति अनफेयर मीन्स करता है। अनफेयर मीन्स को अनैतिकता करते हैं और फेयर मीन्स को नैतिकता कहा जाता है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, एक नैतिकता रूपी देवी को हमारे जो है प्रतिष्ठानों के अंदर जहाँ जहाँ हम काम करते हैं, डॉक्टर वाला डॉक्टर, CA व्यापारी, पुलिस वाला और दूसरा राजनेता वाला, जिस जिस फील्ड में जो व्यक्ति करता है उस फील्ड के अंदर, उस घर के मंदिर में आपने नैतिकता की देवी को बिठा दिया जाए तो आप एक होलिस्टिक व्यक्ति हो गए, एक ईमानदार व्यक्ति हो गए, एक आध्यात्मिक व्यक्ति हो गए। नैतिकता का पालन करने वाला ऑटोमेटिकली आध्यात्मिक हो जाता है। यदि व्यक्ति जीवन में नैतिकता का पालन करता है तो वो किसी क्रियाकांड को करे या ना करे, ईश्वर की भक्ति करे या ना करे, मंदिर जाए या ना जाए, तिलक छापे लगाए या ना लगाए, और उपवास वगैरह कितने तरह के प्रत्याख्यान करे या ना करे, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि नैतिकता सब गुणों की जननी है। एक नैतिकता को करने से सभी गुण आ जाते हैं और एक अनैतिकता को करने से सभी अवगुण आ जाते हैं। इस दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, बहुत ज्ञान विषय में हम
बहुत गहरे गहरे में चले गए थे। अब थोड़े समय के लिए हम ब्रेक दे रहे हैं, ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे। ब्रेक लिया, आप तरोताजा महसूस कर रहे हैं। पुनः हमारा निर्धारित विषय के ऊपर फिर हम अपनी वार्ता प्रारंभ कर रहे हैं। इसलिए हम जैन धर्म को मैं कोट करना चाहूंगा कि जैन कौन कहलाता है, जिनको मानने वाला जैन कहलाया, जिन कौन होता है, राग द्वेष विजेता को जिन कहा जाता है। अब देखिए राग क्या होता है कि राग होता है माया और लोभ, ये द्वित्मात्मक राग होता है। और द्वेष किसे कहता है, जो क्रोध और अहंकार उसको द्वेष कहा गया। इस तरीके से ये चार शत्रु हो गए, क्रोध मान माया लोभ। इन चार शत्रुओं को जीतने वाला जितेंद्रिय को जो है जिन कहते हैं, उसको वीतरागी कहते हैं, उसको ईश्वर कहा जाता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि क्रोध मान माया लोभ ये चंडाल चौकड़ी है। इन चंडाल चौकड़ी का आपस के अंदर एक एग्रीमेंट आया हो गया होता है, एक चंडाल घुस गया तो तीनों ऑटोमेटिकली दूसरे रास्ते से या उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। तो इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इन चारों चंडाल में से क्रोध अहंकार माया लोभ किसी को स्थान न देंगे तो ये चंडाल आपके भीतर बुराइयां प्रवेश नहीं करेगी, यानी राग द्वेष को जीवन में स्थान नहीं देवें। और उसकी उसका प्रतिरोधात्मक शक्ति क्या है, वह समता का भाव रखा जाए कि हम अच्छाई बुराई में, मान अपमान के अंदर, हम कष्ट में और सुख के अंदर, दुख में और सुख के अंदर, उन सबको एक सा समझें। जैसे कि हमारी भीतर हमारे भोजन के अंदर थाली आ गई तो कभी ज़्यादा नमक गिर गया, कभी कम नमक गिर गया, दोनों को हम एक सा समझें। हम प्रतिक्रिया नहीं करके उसको आराम से हमने खा लिया पचा करके, तो राग देश मुक्ति कहलाती है, वह कहलाता है प्रतिक्रिया मुक्ति कहलाती है। कोई तरह की प्रतिक्रिया, अच्छाई बुराई की प्रतिक्रिया नहीं करना, राग द्वेष न करना, एक समता का भाव रखना, एक ये ऐसी विचारधारा है जो व्यक्ति को नैतिक बनाती है, जो व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाती है। नैतिकता के नियम और अध्यात्म के नियम दोनों एक से नियम हैं। नैतिकता बाहर की जाती है, अध्यात्म भीतर होता है। और अध्यात्म और नैतिकता कहें तो ये बाहर और भीतर का संतुलन है, बाहर का सच और भीतर का सच। बाहर का सच नैतिकता है, भीतर का सच आध्यात्मिकता है। जिसने नैतिकता के सच को बना लिया, नैतिक हो गया, तो ऑटोमेटिकली वो आध्यात्मिक हो गया। और जिसने भीतर अध्यात्म को बना लिया तो ऑटोमेटिकली नैतिक हुआ। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्यक्ति ने भीतर अपना एक असेसमेंट बनाया, भीतर एक अपना नियम बनाया कि मैं लोगों को ठगूंगा नहीं, लोगों के साथ के अंदर मैं बुराई का काम नहीं करूँगा, लोगों को तकलीफ देने वाला कोई कार्य नहीं करूँगा। तो जब वो कोई भी कार्य करेगा, चाहे दुकान में बैठेगा, चाहे पुलिस का अधिकारी है, चाहे जज है, चाहे वकील है, चाहे इंजीनियर है, तो वो अपना नफा तुला जो ग्रस्त को करना चाहिए, जो उसने मापदंड बना होता है, वो उसका हक है। क्यों, ग्रस्ती व्यक्ति है, उसके घर होता है, परिवार होता है, शरीर होता है, समाज होता है, देश होता है, प्रांत होता है, हर जगह उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। वह एक सन्यासी नहीं है। सन्यासी और ग्रस्त में अंतर क्या होता है कि सन्यासी के किचन नहीं होती, और दूसरा सन्यासी के जो है वो कोई रिलेशंस नहीं होते, सन्यासी के घर नहीं होता है, वो वसुधैव कुटुंबकम,
सभी सारी सृष्टि जो है वो उसका परिवार हो जाती है, और जो गृहस्थी होता है उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं होती सन्यासी बनने वाली, तो गृहस्थी की ये तीनों चीज़ें होती है, तीनों उसके कंचन भी होती है, कामिनी भी होती है। सन्यासी कंचन कामनी से दूर रहता है, जो कंचन कामनी रखता है वो सन्यासी नहीं है, वो ग्रस्त है। अगर वो कंचन कामनी रह करके अपन को सन्यासी कहता है तो ये भारतीय संस्कृति में ढोंग कहा जाता है, ये धोखा कहा जाना चाहिए, तक कहा जाता है ये दुराव है, ये बदमाशी है, ये पाखंड है, इसको रोका जाना चाहिए। जरूरी थोड़ा ही कि आप सन्यासी बनो, आप ग्रस्त में रहो ना, आपकी पत्नी हो, आपके माता पिता हो, सभी हो, आप जो है जो हमारे समाज के द्वारा बनाए गए जो मूल्य हैं जिनको हम नैतिकता कहते हैं, उस नैतिकता का जीवन जीना चाहिए। समाज ने क्या मूल्य बनाए, समाज ने देखा कि हमको जंगली नहीं बनना है, तो हमारी पारिवारिक व्यवस्था हुई कि एक पत्नी के साथ हम विवाह करते हैं, वो हमारी पत्नी रूप में है, तो एक स्त्री को छोड़ करके संसार की जो हमारी उम्र से बड़ी है वो हमारी माताओं के रूप में है, हमारी उम्र के समकक्ष है वो हमारी बहनें हैं, हमारी उम्र से छोटी है वो हमारी बेटियां हैं, ये दृष्टिकोण बनना चाहिए। ये नैतिकता समाज ने की है। आप एक स्त्री के साथ में कैसा कैसा भी अपना प्रेम का वातावरण कुछ भी जो बातें संसारी करिए ना, आपको छूट है ना, परंतु ये नहीं है कि वह छूट आप हरेक के साथ कहो तो वो अय्याशी कहलाएगी, वह पाखंड कहलाएगा, ये नैतिकता नहीं है। दूसरा ये है कि समाज ने व्यक्ति को छूट दी है, आप भोजन आराम से करिए, लेकिन कोई व्यक्ति मांसाहारी बन जावे और व्यक्ति शराब पीने लग जावे और अय्याशी के अंदर चला जाए, ये समाज ने इन बुराइयों के ऊपर प्रतिघात किया है। मांसाहार, शराब का सेवन करना, व्यसन का सेवन करना, ये अनैतिकता है, ये हमारे समाज ने हमको परमिशन नहीं दी है, और ऐसा इंसान बुरा इंसान कहलाता है। भला इंसान वह होता है जो नैतिकता का जीवन जीता है, अध्यात्म का जीवन जीता है। अध्यात्म का मतलब ईश्वर से डरता है, गॉड फियरिंग। जो गॉड फियरिंग व्यक्ति होता है वो रियल आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, वो रियल नैतिक व्यक्ति होता है। उसके मन के अंदर ये जो एक भावना भर जाती है, कोई ये देखे ना देखे ईश्वर तो देख रहा है, मेरी आत्मा जो भीतर शुद्ध आत्मा है वही ईश्वर है, वो तो हर क्षण मेरे साथ रहती है, वो तो देख रही है, वो गुनाह कर रहा हूँ, वो गुनाह का जो मुझे फल मिलेगा उसी गुनाह का मिलेगा, चाहे कोई देखे या ना देखे वो मेरे को फल उसके भुगतने पड़ेंगे। इसलिए भाई और बहनों, एक हमारे समाज में पीपा जी कवि हुए हैं, उस पीपा जी कवि ने बहुत सटीक बात कही है, पीपा पापन कीजिए अड़गो रहिजे आप, करनी जासी आप री कुण बेटो और कुण बाप। आप अनैतिक कार्य करते रहोगे और आप कहोगे वह अनैतिकता, ये बुरा कार्य मैंने पत्नी के लिए किया, बेटों के लिए क्या, बेटों की बहुओं के लिए किया, पोतों के लिए कहा, तो यमराज तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, यमराज तो हंटर तुम्हारे को ही लगाएंगे, जितने जितने अपराध है उतने उतने हंटर तुम्हारे ही लगेंगे, तुम्हारे उस हंटर खाने के लिए तुम्हारी पत्नी पोते नहीं आएंगे। इसीलिए अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए, और अनैतिक कार्य क्यों करो, किसके लिए करो, आप ये तो चिंतन कीजिए कि अनैतिक कार्य आप शरीर के लिए करते हैं, शरीर दुर्व्यसनी हो जाएगा, शरीर बीमार पड़ जाएगा, और नैतिक कार्य करेंगे शरीर स्वस्थ रहेगा। आप सुबह उठेंगे, जल्दी उठेंगे, परिश्रम करेंगे, दिन भर परिश्रम करने से थकान आएगी, थकान आने से आराम की नींद आएगी। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, एक मजदूर को देखिए, आप एक मजदूर 8 घंटे परिश्रम करता है और पसीने की कमाई वह होती है कि वो परिश्रम करके 100 रुपया 200 रुपया 500 रुपया कमाता है, तो पत्थर पर सीधा सो जाता है, उसको आराम की नींद आती है। और जो अनैतिक कार्य करने वाले होते हैं, लाखों रुपए कमाते हैं, वो नींद की गोलियां खाते हैं,
उनको नींद नहीं आती, उनको भय रहता है पुलिस पकड़ लेगी, इनकम टैक्स की रेड पड़ जाएगी, क्योंकि सारा उन्होंने जो अर्जन किया है वो अनैतिकता से किया है। तो देखिए हमारे सामने सीधा परिणाम आ गया, वो अनैतिकता का परिणाम है और ये नैतिकता का परिणाम। ऐसे सैकड़ों उदाहरण दिए जा सकते हैं कि अनैतिक व्यक्ति होगा वो बहुत ज़्यादा फालतू खर्च करेगा, और इसीलिए हमारे समाज ने मापदंड क्या बनाया, पूतक पूतक आदन संचय, कि आपकी संतान है वो संतान को अच्छे संस्कार दो, उसको अच्छे गुण दो, उसको अच्छाई बुराई का विवेक दो, उसको हे उपादेय के बारे में बताओ कि हे का मतलब छोड़ने योग्य, उपादेय का मतलब ग्रहण करने योग्य, उसको एक यार्ड स्टिक दो, ये बुराई है ये अच्छाई है, और उसका विवेक डेवलप करो कि तुम बुराई के पलड़े को छोड़ दो, अच्छाई के पलड़े में रहो, वह सुसंस्कारी हो जाएगा। उसको बहुत अच्छी तालीम दो, जिसकी उसकी इच्छा हो अच्छी तालीम दे करके ईश्वर प्राणिधान करवाओ, उसके मेडिटेशन के द्वारा, ईश्वर की भक्ति के द्वारा, जाप के द्वारा, मंत्रों के द्वारा उसको प्रारंभ से शिक्षित करो। हमारे यहाँ जितना ये ईश्वर परिधान के धर्म के साधन बनाए हैं, जप करने के, तप करने के, मेडिटेशन करने के, मंदिर जाने के, ये सब व्यक्ति को नैतिक बनाने के साधन हैं। जितने आध्यात्मिक चीज़ें हैं नैतिक बनाने के साधन हैं, और दूसरे पक्ष की बात करूं, जितनी जितनी नैतिकता के कार्य कलाप हम करते हैं सब व्यक्ति को आध्यात्म बनाते हैं। फट मन के अंदर विचार आएगा, मैं किसी मेरे साथी को क्यों धोखा दूँ, क्यों धोखाधड़ी करूँ, मैं हक से ज़्यादा क्यों लूं, तुरंत प्रश्न उसके दिमाग में आएगा, क्योंकि वो नैतिक व्यक्ति। तो बंधुओं और बहनों, भाइयों और बहनों, ये आज का विषय इतना सुंदर विषय है कि हमारे नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य अगर स्थापित हो जाते हैं तो हमारा समाज, सारे सांस्कृतिक मूल्य उसके अच्छे हो जाएंगे, और जो आज हमारी संस्कृति बिगड़ी है वो पुनः सुधर जाएगी। आज से हम 20, 30, 40, 50 साल पीछे जाएं तो हम नैतिकता का जीवन जीते थे, हम अध्यात्म का जीवन जीते थे, लेकिन आज हम इस पैसे के वशीभूत होकर, धन के जो है गुलाम होकर के, हमने नैतिकता को छोड़ दिया, अध्यात्म को छोड़ दिया। 24 घंटे भज कलदारम येन केन प्रकारेण, मुझे धन की प्राप्ति करनी है, बाई हुक और क्रुक की प्राप्ति करनी है, क्योंकि हमने झूठे मापदंड, सोसाइटी ने, सोसाइटी के सही मापदंड नहीं है, हमने अपनी परिकल्पना से झूठा मापदंड बना दिया कि पैसे वाला होता है उसकी पूछ होती है। लेकिन दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, पुनरुत्थान कार्यक्रम हमारी जागृति करने वाला है, हमारी बुराइयां छुड़ाने वाला है, हमको अच्छाइयों की तरफ ले जाने वाला है, अच्छा इंसान बनने वाला है, क्योंकि इस कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य है जगत कल्याण, जगत के जीव सभी सुखी हों, सब आनंदमय हो, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु निरामया, सब सुख से रहें, आनंद से रहें, प्रेम से रहें, मस्ती से रहें, तो आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, धर्ममय हो, नैतिक हो, आध्यात्मिक हो, आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना।